प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह के स्टूडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रियो, मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि खोजाओं का पहला सर्च, जो कि आप खोजाओं को तो जानते हैं, उनको समाज से भी अलग कर दिया जाता है प्रियो, और उनके घर पर भी उनको रहने नहीं देता है। लेकिन तो प्रियो, हम देखते हैं कि मसीह जो कि खोजाओं है उनके लिए एक सर्च बना है, तो उस सर्च के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो प्रियो, ये चर्च जो खोजाओं का चर्च है, वो चर्च जो कि बना है पाकिस्तान के अंदर कराची में। प्रियो प्रियो, हमको बाइबल में प्रेरितों को काम उसका 8 अध्याय और 26 से लेकर हम 40 तक में पढ़ेंगे, तो वहां पर जो कि खोजा के बारे में लिखा गया है, वहां पर एक खोजा रहता है, वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके बाद वह बपतिस्मा लेता है। वहां पर फिलिपुस जो कि यीशु मसीह का शिष्य था, वो जाकर उनको सुसमाचार सुनाता है, उसके बाद वह खोजा जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद वह बपतिस्मा लेता है। प्रियो, तो प्रियो हमको देखने के लिए मिलता है कि बाइबल के अंदर भी जो कि खोजा यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वह भी परमेश्वर की आराधना करते थे। प्रियो, खोजाओं को भी परमेश्वर पर विश्वास करने का अधिकार है, परमेश्वर की आराधना करने का अधिकार है, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। प्रियो, तो खोजाओं को हम देखते हैं कि उनको ज्यादातर सर्च में नहीं बैठा जाते और मजाक उड़ाया जाता है और सर्च में भी नहीं आने देते थे, इसलिए उन्होंने जो कि एक चर्च बनाया, जो कि कराची के अंदर यह चर्च पाया जाता है प्रियो, जो कि पाकिस्तान के अंदर है प्रियो। तो वो चर्च जो कि खोजाओं ने सब मिलकर वहां पर आराधना और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा वहां पर करते हैं प्रियो, जो कि वो पहला चर्च है जो कि हम देखते हैं, जो खोजाओं का चर्च पहला। प्रियो, तो खोजाओं लोग वो कहते हैं कि हमको चर्च में भी बैठा नहीं जाता और मजाक उड़ाया था, शर्मिंदा किया जाता है, इस तरह से कहते हैं, इसलिए हमको तो परमेश्वर की आराधना करनी जरूरी है, इस तरह से वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है और हम उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है, इसलिए इस चर्च को हमने बनाया है और हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना स्तुति वगैरह करते हैं। प्रियो, उस वीडियो को देखिए कि उसमें किस तरह से परमेश्वर की आराधना प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। प्रियो, आप देखिए कि वहाँ पर ढोलक बजाते हुए, तबला बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। वहाँ पर परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, आराधना होती है, प्रार्थना होती है प्रियो, और सब कुछ वहाँ पर किया जाता है प्रियो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर खोजाओं का ये पहला चर्च है। तो प्रियो, यदि आपके चर्च में खोजाओं लोग आते हैं तो उनको आप मना मत करें, क्योंकि वह भी परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए उनको भी अपने चर्च में आने देना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन उनको भी परमेश्वर की महिमा में लाना जरूरी, क्योंकि वह भी बचकर परमेश्वर के राज्य में आने वाले बने। प्रियो, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि कोई ट्रांसजेंडर ना हो। घरों में जो कुत्ते रखे जाते हैं ना, उनको अहमियत दी जाती है। हमें अहमियत घर से ही नहीं मिलती तो बाहर के लोग हमें क्या देंगे? हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम ऐसे हैं। खुदा भी तो है ना, अल्लाह ताला ने तो हर किसी को जिंदगी दी हुई है ना, तो फिर मैं तो लोगों से यही कहना है, हमें भी इंसान। प्रियो, आज हमने देखा कि खोजाओं का जो कि चर्च जो बना है कराची के अंदर, उसके बारे में देखा। तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए काम होता रहे और कोई भी उनको मना ना करे, उनका मजाक ना उड़ाए। यदि क्रिश्चियन खोजा है तो परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। प्रियो, आप सभी को जय मसीह के, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग समझ सके और उनको सच में आने से मना ना करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।